मैं आज मेरी खुशी का इजहार नहीं कर सकता हूँ कि हमारी जन्मभूमि राजस्थान होके कर्मभूमि महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की पावन धन्य धरा पर हमारा सौभाग्य यह है कि श्री चारभुजा नाथ का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। मैं खुशी का कोई इजहार करने का मेरे पास शब्द ही नहीं है। इतना अपार जनसमूह कि बैठने को दिल जबरदस्त जगह नहीं है। राजस्थान, गुजरात, MP, महाराष्ट्र, जगह जगह से, शहर शहर से, जयपुर से, अजमेर से, उदयपुर से, विभिन्न प्रांतों से 36 कौम समाज के लोग उपस्थित हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनको आने जाने में, बैठने में, कुछ व्यवस्था में कुछ हमारी तरफ से कमी रह गई हो तो उनसे क्षमा याचना करता हूँ। और उन्होंने जो हमें जन सहयोग सपोर्ट किया है उनको मैं जिंदगी भर हमारा संकट भूल नहीं सकता है। महाराष्ट्र के पावन धरा पर ये पहला आपका ऐसा है, आप चारभुजा भगवान का मंदिर है, तो ये कैसे जहन में आया कि हाँ यहाँ पे भी भगवान का मंदिर होना चाहिए महाराष्ट्र की धरती पर? देखिए, हमारा संस्कार संगठन जो है, हमारा संगठन का मोनोपोली है सेवा, संस्कृति और सामाजिकता के प्रति समर्पित। तो ये हमारी संस्कृति है, हम हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा धर्म अपने लिए हर कोई समाज कमाता है, लेकिन ये संगठन के माध्यम से, धर्म के माध्यम से समाज सेवा के रूप में हम ले रहे हैं इसको। समाज सेवा के रूप में लेते हुए शिक्षा को बढ़ावा, बाल विवाह पे रोक, बच्चों को आगे बढ़ाना, मृत्यु भोज पे रोक, संस्कृति को आगे बढ़ाना, मेडिकल कैंप लगाना, वृक्षारोपण करना, स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाना, अपना ये अच्छा सबका साथ कीमती समय निकाल के यहाँ पे आए, उनका कैसे आभार प्रकट करेंगे और उनको सुनने के लिए लाखों भक्त यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जगदीश जी ने हमारा निवेदन लिया और उन्होंने हमें स्वीकृति दी, मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ। जगदीश जी के वैष्णव संप्रदाय के लाखों भक्त हैं, सुनने के लिए उनको हजारों की तादाद में है, लेकिन कुछ हमारे जगह का बैठने की व्यवस्था कम होने से लोग इतने उपस्थित ऊपर नहीं हो पाए हैं, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ। और जगदीश जी का पूरा तन मन धन से सहयोग है, वो समाज के प्रति समर्पित है। देखिए, लोगों की श्रद्धा की भावना है, हमको किसी को बुलाना नहीं पड़ा। आज आपके सामने तिल भर की जगह नहीं है, मीडिया को कवर करने के लिए बैठने के लिए जगह नहीं है, तो ये हमारे सौभाग्य की बात है। लोगों को समाज के प्रति समर्पित है, धर्म के प्रति समझ पड़ती है। देखिए, मेरे लिए अकेले चैलेंज नहीं है, समाज हमारा एक साथ में है, एकता में अनेकता का परिचय देते हुए समाज ने आपके सामने सबूत पेश किया, मिसाल पेश की है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है और मैंने कुछ नहीं किया, ये जो किया है हमारे समाज ने किया और समाज का मेरे को साथ है, इसलिए मैं आज इतने हम लोग इतने आगे बढ़ पाए। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी खुशी की बात है, चारभुजा भगवान का यहाँ पे मैं महोत्सव हो रहा है और इतने लाखों की तादाद में भक्त यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, कितना हृदय गदगद होता है, कितनी खुशी होती है? सर, मेरा नाम रोशन लाल कुमावत है, मैं श्री मेवाड़ छत्री कुमावत संगठन का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। हम राजस्थान के रहने वाले जरूर हैं, मगर हमारी कर्म भूमि जो महाराष्ट्र है, उस महाराष्ट्र में हमारे एक मन में था कि हम चारभुजा नाथ का एक मंदिर बनावे और वो आज सफल होने जा रहा है, उसकी हमें बहुत ही बड़ी खुशी है। और जो लोगों के मन में जो श्रद्धा थी चारभुजा नाथ की, उसको देख के आज मुझे ऐसा लगा कि ये काम 10 साल पहले होना चाहिए, वो बहुत ही लेट हो चुका है, तो उसके लिए मैं सभी का बहुत आभारी हूँ जो आज हमारे समाज के सभी लोग यहाँ पे आए हैं। उनको बैठने के लिए बहुत ही बड़ी तकलीफ हुई है, अगर भगवान चारभुजा नाथ चाहेंगे तो ये जगह को हम 1 साल के अंदर बड़ा बना देंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, आप भी इस संस्था को चला चुके हैं और यंग लोग आ गए हैं, संस्था को आगे लेके जा रहे हैं, कितनी खुशी होती है? मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हुआ हूँ इस संस्था का और हमारी संस्था के दिल में एक बात थी कि भाई अपना आराध्य देव चारभुजा जी है, क्यों नहीं महाराष्ट्र की धरती पे इनका भी एक मंदिर हो और हम उनका
इनकी सेवा करने के लिए राजस्थान नहीं जा करके हम लोग यही इनकी सेवा अर्चना कर ले, तो आज हमारा सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारा सपना पूरा होने जा रहा है। और भगवान इसको हमको जो जगह की तकलीफ है, जगह यहाँ है, सहयोग आपका मिल रहा है बराबर इन लोगों को? हाँ, सबको सहयोग है। और हम ये भी कुछ नहीं, और ये हमारे को मेरे को तो बहुत सपोर्ट करते हैं, भले ही मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे को बड़े भाई के जैसे समझते हैं। ये इनकी बड़ी भावना है, इनकी मैं बहुत कदर करता हूँ। मैं श्रीमान रामचंद्र जी मंडोवरा का लाख लाख आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि हम आज समाज के वो फाउंडर हैं और उन्होंने प्रेरणा से ही आज हम प्रगति के पाठ पे बढ़ रहे हैं। उन्होंने वट वृक्ष लगाया है और उसने सींचने का काम हमारी कमेटी कर रही है। मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ, तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, तन मन धन हर प्रकार से सपोर्ट किया है।